आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि QR कोड कैसे बनाया जाता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए या आप अपना व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक या कॉलिंग के लिए, इंस्टाग्राम, SMS या किसी भी तरह का QR कोड आप बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से तरह तरह के मल्टीपल डिजाइन में आप जैसा भी चाहें वैसा QR कोड जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज सूर्या आप सभी का स्वागत करता हूं सीखा माई जैकेट। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो QR कोड हम लोग बनाने वाले हैं वो एक ऐप के थ्रू बनाने वाले हैं, ठीक है। और वह कौन सा ऐप है और कहां से डाउनलोड करना है यह वीडियो के लास्ट में आप सभी को बता देंगे। जब तक वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, बहुत सारे फंक्शन फैसिलिटी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही आप ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टैक्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टैक्स, यहाँ पे वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, वाईफाई, फोन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैक्स पे सिलेक्ट है तो यहाँ पे ऊपर में बोल रहा है यहाँ पे कि टैक्स, आप पे जिस भी टैक्स का यहाँ पे QR कोड जनरेट करना चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का करना चाहो तो यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज फिल द वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट पे जैसे भी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे नेम, फोन नंबर, ईमेल, कंपनी, जॉब टाइटल, एड्रेस, ठीक है, सभी डिटेल यहाँ पे फिल करके, ठीक है, यहाँ पे इसका भी QR कोड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे टेम्पलेट देखते हैं। तो टेम्पलेट देखने के लिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल तरह का आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हॉट, न्यू, सोशल, वाईफाई, इवेंट, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे, जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रो वर्जन इसका मिल जाता है, इसको आपको वाई करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, यहाँ पे हम लोग फ्री में भी बहुत सारा जो है अमेजिंग टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो नीचे में आएंगे, सोशल में भी बहुत सारा यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है। वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई का भी यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है। इसी तरह से किसी भी कैटेगरी पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी तरह का यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि अब QR कोड को जनरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वहीं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्रिएट पे, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि किस तरह का यहाँ पे हम नीड है, किस तरह का मुझे QR कोड जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट, वाईफाई, को फोन, इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इधर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो ऊपर में जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, कैलेंडर है, क्रिप्टो, पेपल, ठीक है। पेपल जो है यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हो जिस जहाँ से आपको डॉलर मंगाना हो, ठीक है, डॉलर करेंसी आपको मंगाना हो तो आप पेपल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिकटॉक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम, शॉपिफाई, स्नैपचैट, रेडिट, मैसेंजर, ठीक है, लिंक्डइन, वीचैट, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप किसी भी तरह का QR कोड जनरेट करना चाहो किसी भी चीज़ का तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो एक QR कोड आप सभी को बना के बताते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं व्हाट्सएप का, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप यहाँ पे बोल रहा है व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोन नंबर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोन नंबर यहाँ पे फिल करना है कि, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोन नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का आप फोन नंबर दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कोई भी फोन नंबर देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का सिंपल सा देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा QR कोड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, हमको मॉडिफाई करना है, डिजाइन करना है QR कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहा है टेम्पलेट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं,
टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोशल में भी बहुत सारा टेम्पलेट मिल जा रहा है, वाईफाई, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस को चूज करते हैं और नीचे में आते हैं, और यहाँ पे प्रो वर्जन भी आपको मिल जा रहा है बहुत सारा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको ए आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए वी वाला, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वीआईपी अभी इसको नहीं लेने वाले, हम लोग फ्री वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल देख सकते हो, यहाँ पे फ्री वाला जो टेम्पलेट है, यहाँ पे ये भी फ्री में है, यहाँ पर भी फ्री में है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट जो है सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सिंपल से क्या करना है, कॉर्नर पे देखेंगे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे सही का चिन्ह आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्पलेट जो है सिलेक्ट हो गया है। देन अब यहाँ पे जो है क्यूआर कोड में आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, डॉट्स चेंज कर सकते हैं, आइज को चेंज कर सकते हैं, लोगो चाहे तो इस बीच में यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर को चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर भी प्रो वाला वर्जन जो है कलर में दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे फ्री वाला, ठीक है, मल्टीपल डिजाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जा रहा है, ठीक है। कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे कलर वगैरह दिया हुआ है। अब चाहो तो इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे येलो, जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येलो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से ऊपर में कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब चाहो तो आप यहाँ पे डॉट्स जो है, डॉट्स यानी कॉर्नर पे जो दिख रहा है इसको हम डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करना है तो यहाँ पे डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, डॉट्स का मतलब क्या होता है, जो बीच में आपको लाइनिंग जो दिख रहा है इसका, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो भी आप डॉट्स लेना चाहो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक, ऊपर में चेंजेज हो रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि यह ये वाला डॉट्स रहे, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऊपर में जो सही का निशान टिक दिख रहा है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आइज पे क्लिक करेंगे तो आइज का मतलब क्या होता है, कॉर्नर पे हम जो भी बताए थे, ठीक है, ये जो तीन दिख रहा है कॉर्नर पे, इसको हम लोग आइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा मल्टीपल, ठीक है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर से ऊपर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्यूआर कोड जो है जनरेट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हो, टैक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। आप और भी बेहतर आप अपने क्यूआर कोड को बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल लगेगा। जब आपका क्यूआर कोड एक बार रेडी हो जाए, फिर आपको ऊपर में जो एक सेव का बटन दिख रहा है, ठीक है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो नीचे में देख सकते हो कि सेव हो गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो एज ए टेम्पलेट आप इसको डाउनलोड भी सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव टेम्पलेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ से बैक आएंगे, ठीक है, जो आपने क्यूआर कोड अभी जनरेट किया है वह आपके गैलरी में जो है सिलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पलेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, वह टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट हम लोग सेव किए थे, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मी पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बट ज्वाइन करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं, आप किसी भी क्यूआर कोड को यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहे तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अभी क्यूआर कोड जनरेट किए हैं वो गैलरी में कहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जो अभी हम लोग जो है इसको डाउनलोड किए हैं क्यूआर कोड को अभी जनरेट करके, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये PNG फॉर्मेट में बहुत ही हैवी लग रहा है, ठीक है, बहुत ही HD क्वालिटी में ये जो है हमारा क्यूआर कोड बनता है, ठीक है। तो अब चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस ऐप का जो नाम है यहाँ पे QR जनरेटर है, ठीक है। आप अपने प्ले स्टोर पे आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे चल के बता देता हूँ, ठीक है, चलते हैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। जब तक के अब सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बहुत सारा मैं जो है इस पर इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे QR कोड जनरेटर लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे में आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं आप सभी को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे
ये वाला जो, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसी को डाउनलोड आपको करना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेवलपर का नेम भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, QR कोड स्कैनर एंड QR कोड जनरेटर एंड रेडियो एंड नोट्स। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फाइनली चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।